नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और जी हां, मैं खड़ी हूं देश के प्रसिद्ध मुंबई के ताजमहल होटल के सामने। और आप कह सकते हैं इस शहर की पहचान इस आलीशान होटल के बगैर नहीं हो सकती। ये देश का एक आइकॉनिक ब्रांड है, टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल का क्राउन जूल है, जिसका गौरवशाली इतिहास और जगमगाता कल दरअसल दोनों एराज के बीच एक मजबूत पुल की तरह खड़ा है। इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ये एक अहम हिस्सा है और इसी की अगुवाई में, इंडियन होटल्स की अगुवाई में आप कह सकते हैं, कोविड के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक इस इंडस्ट्री ने दर्ज किया है। लेकिन सवाल है कि ये यहाँ से रफ्तार कितनी और मजबूत होगी। लगातार 6 क्वार्टर्स में कंपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है, ये रन रेट को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम मुलाकात कर रहे हैं कंपनी के MD और CEO पुनीत चटवाल से। ग्लैड कि आज हम मुलाकात कर रहे हैं। ये बहुत ही बिजी सीजन है आपके लिए, आई एम श्योर। जी, बहुत बिजी सीजन है। द बेस्ट क्वार्टर, अक्टूबर से जनवरी तक, 1st of Jan तक बहुत बिजी रहता है। तो ये बताइए फिर इस सीजन में इंडियन होटल्स एंड प्राइमरली ताज ग्रुप की तैयारियां कितनी रहेंगी, क्योंकि पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं एक के बाद एक हर सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा धूम के साथ हो रही है, तो उस धूम में फिर आप लोग कितनी और चार चांद लगाते हैं? देखिए, ऐसा है, जब आपने 2 साल कोविड के देखे हों तो उसके बाद कम से कम 2-4 साल थोड़ी तो सेलिब्रेशन के भी देखने चाहिए। एंड एक चेंज आ गया है जो हमारे सेक्टर के लिए अच्छा है और हमारी कोशिश यही है कि उस चेंज को हम बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट करें, नर्चर करें। और वो ये है कि जो करंट जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, वो सेविंग्स इकोनॉमी में बिलीव नहीं करती। उनको जो चाहिए आज ही एक्सपीरियंस करना है और दे वॉन्ट टू जस्ट इन्जॉय लाइफ नाउ, दे वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट। नवंबर एंड में, मतलब दिवाली ख़त्म होगी, वर्ल्ड कप ख़त्म होगा उसके बाद, और फिर शादियों का सीज़न शुरू होगा। तो ये जो शादियों का सीज़न है, इस पर्टिकुलर सीज़न में कितना आपको लग रहा है और जोश और पैसा लोग खर्च करते हुए दिखाई देंगे? आई एम श्योर बुकिंग्स तो आप लोगों की हो चुकी हैं, वो कितना ऐड ऑन करने वाला है? हमारे तो बुकिंग बहुत अच्छी है और अब जो मज़ेदार बात है वो ये है कि सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने होटल्स खोले हैं, Tier 2, Tier 3 सिटीज़, छोटे शहरों में, चाहे वो विवांता हो, चाहे वो जिंजर हो, या सिलेक्शंस प्लेटफॉर्म पे, हर जगह बिजनेस की भी तेज़ी है बट शादी के इवेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले आप मेंशन करते थे G20 एंड वर्ल्ड कप, उससे काफ़ी ज़्यादा यू नो बिजनेस आया है, लेकिन यहाँ से जब एक्चुअल बिजनेस का पीरियड है वो कितना और स्केल करता हुआ दिखाई देगा? क्या आपने मेजॉरिटी बिजनेस कर दिया है या फिर अब पिक्चर बाकी है? आई वुड रादर लाइक टू से अभी तो पिक्चर शुरू हुई। G20 और वर्ल्ड कप टुगेदर इज मे बी ओनली 2% ऑफ आर एंटरप्राइज रेवेन्यू, बट वो जो 2% है, इट हेल्प्स यू इन योर एक्स्ट्रा कन्वर्जन टू प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसका हेल्प ज़रूर है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ G20 एंड वर्ल्ड कप इज द मार्केटिंग ऑफ इंडिया एज अ डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब। एंड फॉर वॉट एवर रीजन, हमारे जो एक पुश चाहिए था हमें, जो मार्केटिंग ऑफ इंडिया, वो G20 और वर्ल्ड कप से हमारे सेक्टर को उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि यू नो लोग आजकल पैसा आते ही उसे खर्च करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट है ये शिफ्ट। पहले जो लोग समझते थे कि हॉस्पिटैलिटी मतलब आपको बस अर्बन सेंटर्स में या फिर मेट्रो में अच्छी सर्विस मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी हम देख रहे हैं द पाई इज़ ग्रोइंग, Tier 2, Tier 3 मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन है, वहाँ से कितना पैसा वाकई में आ रहा है इस सेक्टर में और स्पेशली आपकी कंपनी में? देखिए, आपने खुद ही बोल दिया, इज द पाई इज ग्रोइंग, इट्स नॉट पाई इज ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज चेंजिंग। तो इन ऑर्डर टू बिकम 7 trillion इन 7 years, वो 7 या 10 मेट्रो से नहीं होगा। जो गवर्नमेंट का स्पेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑन हाईवेज, ऑन हाई स्पीड ट्रेन, वेदर दे आर कॉल्ड वंदे भारत और
गतिमान एक्सप्रेस और वट एवर दे आर कॉल्ड एंड दैट इज और बुलेट ट्रेन्स, दे आर गोइंग टू इंक्रीज कनेक्टिविटी, दे आर गोइंग टू मेक, अब तक तो हम बात करते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट ईज ऑफ ट्रैवल, ये सब चीज़ें आएंगी तो उससे अगर आप एयरपोर्ट बना रहे हैं तो होटल भी चाहिए, अगर एयरपोर्ट है तो फ्लाइट किचन यूनिट भी चाहिए, आपको जो भी चाहिए एटलीस्ट हमारा इकोसिस्टम में वी ऑफर एवरीथिंग. सो आई सी दैट ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. टीयर टू टीयर थ्री सिटीज ऑफकोर्स मेजॉरिटी ऑफ आवर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वो आने वाले भी 3-4-5 साल में टॉप 10 से ही आएंगे, बट द अदर्स विल फिल इन बिकॉज अदर आर डिपेंडेंट ओनली ऑन डोमेस्टिक. सो आपका राजस्थान, गोवा, दिल्ली, मुंबई इज ऑल्सो डिपेंडेंट अ लॉट ऑन हाई लेवल फॉरन टूरिस्ट अराइवल्स एंड हाई लेवल बिजनेस. बट टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में, छोटे शहरों में एक जिंजर होटल की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा ब्रांड है आने वाले 20-30-40-50 साल में. तो अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, आप कितने जिंजर होटल्स इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में खोल सकते हैं. तो फिर क्या स्केल इन्हीं छोटे शहरों में होगा, रफली किस तरह का इन्वेस्टमेंट, किस तरह की पाइपलाइन फिर इन यू नो मेट्रोज या इन नए हब से आती दिखाई देगी? आज की जो पाइपलाइन है मोर देन 50% इज इन नॉन मेट्रोज इन टीयर टू टीयर थ्री सिटीज ऑफ ऑल ब्रांडेड होटल सप्लाई पुट टूगेदर. आई थिंक in future also it will either stay the same or even increase. Okay, but ek Delhi Bombay mein ek corresponding increase chahiye hoga supply mein, kyunki Jio center ke khulne ke baad, Bharat Mandapam and Yashobhoomi ke khulne ke baad Delhi mein agar aapki ek conference aa jati hai 4-5 hazar logon ki to shahar mein kamre hi nahi milenge aapko. So that will force an increase in supply, but it will force, it will means ये future में होगा तो आने में इसको 3-4-5 साल लगेंगे, but आएगी ज़रूर because it will be needed. और इसमें फिर Indian hotels का क्या plan है, कितने आप नए hotels whether by it is via Taj Vivanta या फिर Ginger में आप invest करते हुए दिखाई देंगे? हमने जो communicate किया अपनी strategy, it's based on very aggressive growth on the Indian subcontinent. We want to be the largest player in every state of India and every neighboring country of India. Okay. Both at a group level but also as a hotel company. We want to have the highest revenue, the highest profitability and we want to be the largest employer. So ye ek hamara strategic initiative hai aur is pe hum bahut focused hain ki chahe wo Kerala हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, the number of hotels we have, the number of jobs we create, the amount of revenue we report has to be the highest. 3-5 साल में minimum 2 hotels per month we will open. Okay. In India itself. Mm. And then selective Taj branded hotels in the rest of the world. कुछ आप इस समय काम कर रहे हैं कि स्पेसिफिक सर्किट्स तैयार किए जाएं जो नॉर्मली दिल्ली आगरा वाला सर्किट होता था, यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट, तो वो कौन से सर्किट्स हैं और क्या वहाँ पर प्रॉपर्टीज अभी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं या फिर इट्स गोइंग टू बिगिन सून? देखिए, एक जैसे मैंने बोला था कि इंडिया इज चेंजिंग, सो इंडिया इज चेंजिंग वेरी स्ट्रॉन्गली ऑन स्पिरिचुअल टूरिज्म. ओके. इंडिया इज क्रिएटिंग न्यू डेस्टिनेशंस लाइक एकता नगर केवड़िया वेयर जस्ट 100,000 पीपल गो इन अ डे टू सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. India is changing in the way it is marketing medical tourism. Hmm. And then many other sources of tourism which are coming is like wine tourism, tea tourism, okay, and coffee tourism. Okay. So this is not only apne matlab Indians ke liye attractive hai, ye jo log bahar se aate hain unke liye bhi bahut attractive hai. So agar aap circuits le Chikmagalur, Kunur, Coorg, ऊटी, इसी तरह अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लें दार्जिलिंग, सिक्किम, मतलब गैंगटॉक, चुंबी एट्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह बहुत सारे नए सर्किट्स आ रहे हैं. जो चीज़ पहले आगरा में ख़त्म हो जाती थी अब बनारस तक एक्सटेंड हो गई. अयोध्या विल बी द नेक्स्ट बिग हब फॉर होटल्स एंड टूरिज्म फॉर इवन नॉन रेजिडेंट इंडियंस विजिटिंग इंडिया टू गो एंड सी कि अयोध्या में क्या हुआ. और
बनारस में जो इम्प्रूवमेंट है वो तो हम देख ही रहे हैं. इवन वी आर डबलिंग द साइज ऑफ ताज गेंजेस इन बनारस. ओके, तो एक बहुत, तो यही वो ड्रामेटिक शिफ्ट है जो आगे इनफैक्ट रिफ्लेक्ट करने वाला है. चलिए इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ये जो आइकॉनिक प्रॉपर्टी में हम खड़े हैं ये भी 120 साल पूरी कर रही है. अब इस पर्टिकुलर लग्जरी स्टाइल की ब्रांड्स का क्या प्लान है उस पर भी बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद. ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, आई थिंक इज वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर्स, यू नो यहीं से शुरुआत हुई थी. अब आप लोग जल्द ही 120वीं सालगिरह भी मनाने वाले हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का आई एम श्योर अलग ही चार्म होता है, लेकिन आपके एम्प्लॉई बेस, मैनेजमेंट में कितना एक्साइटमेंट है जब यू नो ये आप माइल स्टोन्स अचीव करते हैं? देखिए, ऐसा है, आपने ठीक बोला, 1903 में ये होटल बन के तैयार हुआ था. इसे हम प्यार से टेंपल ऑफ हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, क्योंकि जो भी काम यहाँ से शुरू किया उसमें हमेशा ताज ब्रांड को बहुत ही अहमियत मिली, बहुत ही शोहरत मिली. और जितना मर्जी कोई चैलेंजेस आए, वर्ल्ड वॉर आए, उसमें इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया. हाल ही में कोविड में वी ऑल्सो कन्वर्टेड इट इंटू फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए स्टे में. और जब 26/11 का अटैक भी हुआ उसके बाद भी जो रेजिलियंस जो इस प्रॉपर्टी ने दिखाई है 120 साल में, उसका शायद पूरे वर्ल्ड में कोई कंपैरिजन नहीं है. और इस पे तो हार्वर्ड ने केस स्टडी भी लिखी है, हाउ द एम्प्लॉयज टुक द बुलेट देमसेल्व्स एंड सेव्ड द लाइव्स ऑफ द गेस्ट. तो अभी भी अब काफ़ी जो इंडिया के इस वक्त बहुत ही फ्लरिशिंग बिजनेस हाउसेस, बिजनेसमैन के बारे में पढ़ते हैं, तो 26/11 को वो इसी होटल में थे. जी हाँ. तो इसलिए दैट इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है ताज ब्रांड के साथ. और ये है भी, इट्स अ क्राउन ज्वेल ऑफ द कंट्री. करेक्ट, हमारी कंपनी के लिए नहीं पर देश के लिए, देश के लिए भी. तो इस तरह के क्राउन जूल्स आई एम श्योर इस समय कोई नया खड़ा करना चाहे तो बहुत मुश्किल होगा. वुड यू एग्री कि या फिर कोशिश आप लोग करते हैं? कोशिश करना हमारा फर्ज है, कोशिश हम करते हैं. बट हम अब 4 नवंबर को वी आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ रामबाग पैलेस जयपुर में. जी, पर इसलिए भी बिकॉज रामबाग वॉज रेटेड बाई ट्रेवलर्स choice as number one trip advisor hotel of the world. Right. So, मतलब इतना अच्छा coincidence, 50 years of Rambagh and number one hotel in the world, पहले भी हो चुका है एक दो बारी, but it calls for a celebration. Right. तो ये जो हमारे जो palaces हैं वो भी बहुत iconic हैं, चाहे वो Lake Palace है, चाहे उदयपुर में, चाहे उमेद भवन palace है, या फलकनुमा हैदराबाद में. अभी हमने रेनोवेशन कंप्लीट की है ग्वालियर में उषा किरण पैलेस की. और काफ़ी है, फतेह प्रकाश है, गोरबंद भी खुलेगा जैसलमेर में. सो वी हैव अ लॉट ऑफ पैलेसेस. एंड ये बड़ी हमारी एक यूएसपी है वर्ल्ड में, क्योंकि किसी के पास ये ऐसी पैलेस प्रोपोजिशन और पैलेस हॉस्पिटैलिटी है नहीं इस रेंज में, तो डेफिनेटली नहीं है. अच्छा, तो फिर ये बताइए, क्योंकि ये आपकी प्राइमरीली लग्जरी स्टेज, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी वाले हिस्सा का एक बहुत बड़ा चंक केटर करता है, यहाँ से इसको और स्केल करने का मौका है क्या? इससे भी कुछ लग्जूरियस ताज के या इंडियन होटल्स की तरफ से आएगा? देखिए, स्काई इज ऑलवेज द लिमिट. एंड इनोवेशन के लिए तो हमारा ग्रुप काफ़ी माना हुआ है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी हाल ही में हमने 6 महीने पहले ताज में मोर देन 100 होटल्स इन पोर्टफोलियो किए. सो इस पोजीशनिंग में टू हैव 100+ पुट्स यू अमंग द टॉप 3 इन द वर्ल्ड स्केल के हिसाब से. जी हाँ. क्वालिटी के हिसाब से वी वर रेटेड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड फॉर 3 ईयर्स. दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड एंड शोज वॉट द ब्रांड कैन डू. अब आस्ते आस्ते हमने अभी हाल ही में अनाउंस किया था 250वां होटल जो था, दैट विल बी इन रियाद इन दरिया गेट. 2 महीने पहले हमने अनाउंस किया कि हम फ्रैंकफर्ट में भी अब ताज खोलने वाले हैं. एंड इट ऑल मेक्स सेंस विद
with Vistara having so many flights to Frankfurt, Air India Correct. Flying daily to Frankfurt, it makes just sense, aaste aaste, step by step, without taking too much risk, making no unforced errors, agar aap aaste aaste international footprint bhi banaye, to it's good for the country. But wo luxury hoga ya super luxury hoga? Abhi Taj ke saath to it will be luxury. Okay. Super luxury means if we want to do another brand higher than Taj, to dekhte hain. Aap keh nahi rahe, lekin main sense kar rahi hu ki it's work in progress. Work in progress is at all levels. See, main keh chuka hu pehle bhi. Higher than Taj, between Taj and Vivanta, between Vivanta and Ginger, kuch na kuch hum karte rehte hain, sochte rehte hain. Aur humne jo guidance di thi, wo ye thi ki once two of our brands hit 100 plus in portfolio. We will be ready to launch a new brand. So Ginger is getting close to 100 and Taj has reached 100, so it is time. Now which one will get launched first, that we have to see. हमने लग्जरी होटल्स में आगे और क्या हो सकता है उसकी बातचीत की, लेकिन यहाँ से स्पेशली जिंजर को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? मुंबई का जिंजर जल्द ही लॉन्च होगा जो एयरपोर्ट के पास है. इनफैक्ट उसकी डेट क्या है, कब लॉन्च होने वाला है? हमारा टारगेट तो यही है कि 10 और 15 नवंबर के बीच में, इफ ऑल द लाइसेंसेस कम थ्रू, तो दैट इज द टारगेट डेट. वर्क्स आर ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट. तो जिंजर को लेकर अब कितना आगे आप पोटेंशियल देख रहे हैं, क्योंकि अब आपने इसको हाल ही में रीवैम्प भी किया है. हाउ इज इट यू नो ब्रिंगिंग इन द मनी पर से, कितना बदलाव देखने को मिला फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी टू नाउ? आई थिंक इट वुड बी फेयर टू से कि पुराने जिंजर में जो थॉट था और नए जिंजर में जमीन आसमान और दिन रात का फर्क है. यूके में इस पोजीशनिंग के कम 5,000 होटल, इंडिया में 500 भी नहीं है. यूके की पॉपुलेशन इज ओनली 5-7% ऑफ इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन. सो दैट टेल्स यू द स्कोप. बट इफ यूके वाज वन ऑफ, लेट्स टेक जर्मनी. जर्मनी में भी इस पोजिशनिंग में जो होटल्स हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 4-5,000 होटल, सेम एज यूके, सेम इन फ्रांस, एंड यूएस हैज इवन मोर. तो कई ब्रांड्स हैं दूसरी कंपनीज के जिनके इस कैटेगरी में अंडर वन ब्रांड 2,500 होटल. सो आई थिंक दैट पार्ट इज अ ह्यूज, एक्चुअली इंडिया इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपने जो आह्वान पॉलिसी, जो गाइडेंस दिया है, जो रोड मैप है, यू नियरली देयर. 30% के आसपास के मार्जिन आप अभी भी एंजॉय कर रहे हैं. 2025 से पहले वो अचीव तो हो ही जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है. क्या उसे आप फिर आगे रीसेट करना चाहेंगे? कितने सस्टेनेबल होंगे इन फिर मार्जिन को मेंटेन करना, या फिर जो एवरेज रूम रेट आप लोग आजकल कमांड करते हैं वो मेंटेन करना? अब 30 में सब लोग कहते हैं, एनालिस्ट भी कहते हैं दिल मांगे मोर, तो हमने 33% का गाइडेंस दिया, राइट? 33% मार्जिन इन अ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर इज हायर देन अ टेक सेक्टर मार्जिन. जी हाँ. तो हमने जो बिजनेस मॉडल चेंज किया है, दैट हैज मेड इट पॉसिबल ऑफ आवर एसेट हैवी और एसेट लाइट का 50-50 बैलेंस, एडिंग न्यू बिजनेसेस एट अ हाई मार्जिन लेवल, लाइक आवर प्राइवेट मेंबरशिप क्लब जो बहुत साल से था, बट उसको एक अलग पोजिशनिंग में लेके जाना. उसमें नई मेंबरशिप फीस जो हम बहुत सेलेक्टिवली लेते हैं, लेकिन फिर भी जो भी फीस आती है उसका फ्लो थ्रू इज 85%. टू गेट 85% फ्लो थ्रू इन होटल बिजनेस इज नॉट पॉसिबल. वो क्लब बिजनेस में ही हो सकता है, बट वी क्रिएटेड अ बिजनेस आउट ऑफ अ क्लब विच वॉज जस्ट सपोर्टिंग अ ब्रांड. ये ताज ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे. तो अब इनका टाइम आ गया था टू अनलीश द पोटेंशियल एज स्टैंड अलोन बिजनेसेस, एंड डूइंग दैट वी अचीव्ड This kind of margin growth. पर जिस तरह से आप लोगों ने एक पाइपलाइन तय की है कि 11,000 से ज्यादा के रूम्स ऐड होंगे, क्या वो कहीं ना कहीं आपकी प्राइसिंग पावर को डाइल्यूट नहीं करेगा, या फिर उतनी डिमांड आपको दिख रही है कि वो खप जाएगी, आसानी से खप जाएगी? डिमांड तो है स्ट्रॉन्ग, और मोस्ट ऑफ दिस पाइपलाइन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इज नॉट इन द सेम मार्केट्स, बट यू नो मुंबई कैन टेक इजिली 20 जिंजर होटल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी तो 3-4 ही हैं, तो ये तो चलता रहेगा आस्ते आस्ते. सिर्फ हमें केयरफुली
ये करना है कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे हम रेंट करेंगे, कहाँ पे हम सिर्फ मैनेज करेंगे, एंड हाउ मे बी इन फ्यूचर आज से 5 साल में 7 साल में व्हेन इंडियन मार्केट इन हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट्स मैच्योरिंग देन यू कैन इवन लेवरेज फ्रेंचाइजिंग एज अ बिजनेस मॉडल. ये आता रहेगा, बट द बैकबोन ऑफ द कंपनी वॉज इज एंड फॉर फोरसिएबल फ्यूचर विल ऑलवेज बी ताज. उससे हम फोकस नहीं हटाएंगे. बाकी बिजनेसेस हम ग्रो कर रहे हैं सो दैट दे बिकम बिजनेसेस दैट इज बिल्डिंग द फ्यूचर. ओके, जैसे जमशेद जी ने ताज होटल 1903 में खुल के एक ताज की बुनियाद बनाई थी, एक फाउंडेशन ले करी थी. इसी तरह ये जो हम जो बिजनेसेस नए जो ऐड कर रहे हैं ये आने वाले 5 साल में 10 साल में दे विल बिकम प्रीटी बिग बिजनेसेस. हमने पिछले 6 सालों में आपके आने के बाद ताज रूप में एक नई ऊर्जा ब्यूरो देखी है और कई नई चीज़ें आपने उस पर काम किया है. यहाँ से आगे इफ़ आई से अगले 6 साल या अगले 10 साल व्हाट आर यू मोस्ट एंथूज्ड अबाउट? आप क्या नया तैयार करना चाहते हैं या किस पर काम हो रहा है आजकल? काम तो हमने बहुत चीज़ों पे किया है, फ्रॉम होम डिलीवरी टू होम स्टे टू QSR टू न्यू ब्रांड्स. आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जो हमारा जो गाइडिंग लाइट है स्ट्रैटेजी की आवान 2025 में जो हमने बोला है दैट इज़ टू स्टे मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी ऑफ साउथ एशिया एंड ऑल आवर ब्रांड्स शुड बी परसीव्ड द मोस्ट प्रीमियम इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट सेगमेंट. तो अगर आप होम स्टे में हैं तो उसमें भी आप प्रीमियम हैं, अगर आप जिंजर में हैं लीन लक्स कैटेगरी में तो उसमें भी आप प्रीमियम हैं. सो आप अपस्केल में है तब भी आपको प्रीमियम होना है. तो दैट इज़ आवर फोकस, दैट इज़ आवर स्ट्रैटेजी एंड दैट्स आवर गाइडिंग फोर्स. इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.